फूलों को हंसाती चली झूमती हवा, देखो जरा किसको पता, किसको पता। मंजीत मेरी बात तो सुनो। मंजीत शट अप, एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी तुम। बहुत बोल चुकी, बहुत सह चुके तुम्हारी गुस्ताखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। मुझे तो शर्म आती कि मैंने तुम जैसी औरत के साथ शादी की। तुमने आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम अपने पिछले प्यार को भूल नहीं पाई हो और अपने प्यार का बदला लेने के लिए तुमने उस बच्चे की जिंदगी खराब कर दी जिसे 15 साल तक तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि तुम उसकी असली मां नहीं हो। पंद्रह साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी जिनके प्यार में कोई कमी नहीं आई, तुमने उन दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दिया। शर्म आनी चाहिए जस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब कुछ मैंने किया मुझे, मैंने किया। क्योंकि मेरी जिंदगी गुरनाम सिंह की वजह से बर्बाद हुई है, उसी की वजह से आज तक मुझे अपना प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। उसी गुरनाम सिंह की वजह से आज तक मैं अपने बेटे को उसके बाप का नाम नहीं बता पाई थी। उसी की वजह से मुझे अपना पिंड, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है मंजीत। तो तुम बता, मैं कैसे खुश हो सकती हूं उसके लिए, बताओ। दुख होता है तुम्हारी समझ पर मुझे जस। कितना खलस समझा है तुमने गुरनाम सिंह को। अगर वो ना होता तो तुम्हारे मां बाप तुम्हारे घर से भाग जाने की बदनामी की वजह से मर गए होते। अगर पिंड वालों को पता चल जाता कि तुम घर से भागी हो और तुम्हारे पेट में एक नाजायज बच्चा पल रहा है तो क्या होता जानती हो? तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देते। अगर पिंड वालों को पता चल जाता कि तुम घर से भागी हो और तुम्हारे पेट में एक नाजायज बच्चा पल रहा है तो क्या होता जानती हो? तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देते। अरे वो गुरनाम सिंह ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई।
वो गुरनाम सिंह ही था जिसने तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात चलाई ताकि वो तुम्हें बदनामी से बचा सके। अरे मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। वो गुरनाम सिंह ही था जिसने मुझे शादी के लिए मनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे बच्चे को लोग नाजायज औलाद कहें। अरे जिस इंसान के तुम्हें पैर छूना चाहिए तुमने उसी इंसान को बदनाम करके रख दिया। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बनाई तुमने उसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलत गलत सोच रही हो तुम। उस वक्त मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया अच्छे के लिए किया। मैं तो यही चाहता हूं कि वाहेगुरु की मेहर सब पे बनी रहे, सब खुश रहे। तो आपने देख ही लिया कि समझ सिमरन से कितना प्यार करता है। इनकी जोड़ी रब ने बनाई है प्रजाई जी, उस वाहेगुरु ने, उस सच्चे पाशाह ने। बहुत पाक साफ मोहब्बत है इन दोनों की। 20 साल पहले तुमने खुद तो सच्चे प्यार करने वालों को भी अलग किया था, क्योंकि प्यार के जोश में तुम लोग होश को बैठे थे। वाहेगुरु से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि दे। और उस इंसान की महानता देखो जस, कि वो आज भी तुम्हारा भला चाहता है, बुरा कभी नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो मंजीत, बदले की आग ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं उस इंसान की जड़ें काटती रही जिसने मुझे समाज में इज्जत से रहने लायक बनाया। कितनी गलत थी मैं मंजीत, मंजीत प्लीज मुझे माफ कर दो। अजीत प्लीज मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा जस, कुछ नहीं मिलेगा। अगर माफी मांगनी है तो उस इंसान से जाकर मांगो जिसे तुमने पूरे पिंड में बदनाम करके रख दिया है। उन बच्चों से जाकर माफी मांगो जिन्हें तुमने एक दूसरे से अलग कर दिया है। जाओ शायद वो तुम्हें माफ कर दे। तुम ठीक कहते हो मंजीत, मुझे गुरनाम भाई साहब से ही माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ मैंने किया है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। समय कहां चला गया? समय व्हाट हैपेंड मॉम? समर कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तो मैं आपसे पूछने वाला था, सुबह से ही ब्रो कहीं नजर नहीं आ रहे। इज एवरीथिंग ऑल राइट मॉम? हाँ कुछ नहीं। नहीं मॉम, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। सब ठीक है ना? कहा ना कुछ नहीं। नहीं मॉम, मैं आपका बेटा हूं, आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। बात क्या है मॉम? कहा ना कुछ नहीं।
बात क्या है मां? कहा ना कुछ नहीं। ये क्या हुआ मां? किसी ने आप पर हाथ उठाया? नहीं गोल्डी, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। जब मौका मिलेगा तब बताऊंगी तुम्हें। फिलहाल जब समर वापस आए तो उससे कहना कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद गुरनाम सिंह के पास सिमरन का हाथ मांगने जा रही हूं। अब समर को और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। रियली मॉम, आप सच कह रही हैं? हां गोल्डी, मैं समर और सिमरन का रिश्ता पक्का करके ही घर आऊंगी। सिमरन सिर्फ मेरी बहू बनेगी, सिर्फ मेरी। ओह मॉम, आई एम सो हैप्पी। गोल्डी, समर से कहना कि हो सके तो मुझे माफ कर दे। कैकेयी ने राम जी को 14 साल का वनवास दिलाया था, लेकिन फिर भी राम जी के दिल में कैकेयी के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि समर के दिल में भी मेरे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। यस मॉम। से पर जाए जी। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी क्या? अब क्या लेने आई आप यहां पर? क्या पूरे पिंड के सामने बदनाम करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला? हमें खून के आंसू रुलाने के बाद भी आपका बदला पूरा नहीं हुआ क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है, उसे बची रहने दीजिए और वाहेगुरु के वास्ते यहां से चले जाइए। परजाई जी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत दुख दिए हैं आपको। हो सके तो मुझे बद्दुआ ही दे दीजिए। क्या पता आपकी बद्दुआओं से मेरे कुछ पाप ही कम हो जाए। किसी ने सच ही कहा है, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, पर मैंने तो उसी घर को उजाड़ के रख दिया जिसकी छत ने मुझे सर छुपाने की जगह दी थी। सब ठीक तो है ना परजाई जी? परजाई जी, मैं वही तो करने आई हूं। मैं सिमरन से मिलना चाहती हूं, पर अगर आपकी इजाजत हो तो। कौन है? मैं हूं जसविंदर।
क्या मैं तुमसे दो मिनट बात कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है अब भी हमारे बीच कोई बात हो सकती है? सिमरन, मैं अगर ये कहूँ कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ तो क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? और कितनी चालें चलेंगी आंटी जी, अब तो हम पर तरस खाइए, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए, अब और सहने की ताकत नहीं है हम में। नहीं सिमरन, ये कोई चाल नहीं है, मैं सच में तुमसे माफी मांगने आई हूं। मुझे दुख है कि इस घर के हाल के लिए मैं जिम्मेदार हूं, और तो और मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं, मैंने तुम्हें और समर को अलग कर दिया, मेरा गुनाह माफी के लायक तो नहीं है पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। आपको माफ करने वाली मैं होती कौन हूं? एक बात कहूं आंटी जी, जब एक औरत ही औरत के दुश्मन बन जाए ना, उससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? पर अगर औरत औरत का साथ दे तो उसके दुख कम भी तो हो सकते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैंने तुम्हें और समर को अलग कर दिया था, मैं ही तुम दोनों को मिलाऊंगी, और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सिमरन। माफ कीजिएगा आंटी जी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ ठीक नहीं करना चाहती, मेरी और लाखा की शादी हो रही है और मैं बहुत खुश हूं। नहीं सिमरन, ना तुम खुश हो ना समर खुश है, और लाखा के साथ शादी करके तो तुम खुश हो ही नहीं सकती। आंटी जी, मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे दारजी करते हैं, ना ही उनके फैसले के खिलाफ मैं कभी गई हूं और ना ही कभी जाना चाहती हूं। कितनी बदनसीब हूं मैं कि तुम्हारी जैसे साफ दिल की लड़की को मैंने ठुकरा दिया। काश ये समझ मुझे कुछ दिन पहले आ गई होती। खैर, जो गलतियां मैंने की है मैं उन्हें सुधारना चाहती हूं। अब कुछ नहीं हो सकता आंटी जी, आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अब आप जाइए यहां से। नहीं सिमरन, प्लीज मुझे इस तरह से निराश मत करो। देखो, तुम सिर्फ समर के साथ खुश रह सकती हो, लाखा के साथ शादी करके तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। अब आपको मेरी जिंदगी की बड़ी चिंता हो रही है जबकि मेरे इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। अब अगर मेरी जिंदगी खराब होती है तो होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब होगा वही जो दारजी चाहेंगे। मैं जिंदगी भर तड़पने के लिए तैयार हूं पर मेरे दारजी के आंखों में आंसू और उनको परेशान में नहीं देख सकती। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे दारजी से ही बात करती हूं। भाई साहब, तुम